स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन नेम्ड एज द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर. टुडे वी विल स्टार्ट ए चैप्टर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज नोन एज द लाइट एंड इट्स फिनोमेना नोन एज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन. पार्ट वन आप इसके अंदर देखेंगे. तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आप मैक्सिमम पोर्शन इसके अंदर कवर कर सकें. ओके, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइट ऑफ द रे ऑप्टिक्स नेम्ड एज द रिफ्लेक्शन. परावर्तन किसे कहा जाता है? परावर्तन की अगर परिभाषा के बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच ए लाइट रे दैट इज कमिंग फ्रॉम एनी पॉइंट इंसिडेंट ऑन ए शाइनी सरफेस एंड गोज बैक इट्स इन द सेम मीडियम. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आपकी कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से आने लग रही है, किसी ऐसे सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होगी जो सरफेस आपका साइनी होगा या फिर पॉलिश किया गया होगा. उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद में आपकी रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और डेविएट होने के बाद में वो उसी मीडियम में चली जाती जिस मीडियम से वो आती है. तो एक बात आपको याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन है आपकी लाइट का, वो या तो कोई साइनी सरफेस करवा सकता है या फिर ऐसा कोई सरफेस जो पॉलिश किया गया हो. फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट वी हैव ए प्लेन मिरर दैट इज पॉलिश फ्रॉम इट्स वन सरफेस. लेट वी अज्यूम दैट ए रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट और एनी सोर्स पॉइंट एंड इंसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस मिरर. ओके, आफ्टर द इंसिडेंट द रे ऑफ लाइट डेविएट इट्स पाथ, अपने पाथ को डेविएट कर लेती है और डेविएट करने के बाद में इसी मीडियम के अंदर वो चली जाती है. मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ को डेविएट तो करती है, लेकिन जो मेन चीज है कि अपने मीडियम को कभी चेंज नहीं करती. जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम के अंदर वो वापिस चली जाती है. जिस पॉइंट के ऊपर आपकी रे ऑफ लाइट ने इंसिडेंस किया है उस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल लाइन का मतलब होता है कि जो आपके इस मिरर के साथ में एंगल 90 डिग्री बनाए. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट लाइट इज रिटन एज आई एंड नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन कोण. ठीक है, एंड द एंगल दैट इज मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द नॉर्मल इज नोन एज द आर एंड रिटन एज आर एंड नोन एज द रिफ्लेक्शंस एंगल. परावर्तन कोण. ठीक है, ये है आपकी एक हल्की सी पृष्ठभूमि किसके लिए, परावर्तन के लिए. एक बार डेफिनेशन के बारे में फिर से बात करते हैं. व्हेन ए रे ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम एनी मीडियम एनी सोर्स और यू कैन से दैट बाय द सन. व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी मीडियम इंसिडेंट ऑन ए साइनी और पॉलिश सरफेस एंड डेविएट इट्स पाथ विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम द प्रोसेस ऑफ द लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जब कोई प्रकाश की किरण आपके किसी माध्यम से आने लग रही है, अगर वो किसी पॉलिश किए गई सतह के ऊपर या चमकीली सतह के ऊपर आकर आपतित होती है और आपतित होने के बाद अपने रास्ते को मोड़ लेती है लेकिन अपने माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं करती है, इस प्रक्रिया को या इस प्रकरण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है. इसके लॉ के बारे में बात करें, जो इसके नियम है उनके बारे में बात करें, देन फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई की जो वैल्यू है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगी, चाहे लाइट के रिफ्लेक्शन की बात हो और चाहे साउंड के रिफ्लेक्शन की बात हो. हमेशा दोनों के अंदर ये आपका लॉ है एप्लीकेबल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड नंबर लॉ इज
द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन. आपतन कोण, सॉरी मैंने यहां पर रिफ्रैक्टेड कर दिया, यहां पर रिफ्लेक्टेड आएगा. आपतन किरण, परावर्तित किरण और आपका लंब, ये तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं. चलिए परावर्तन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं. और पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई मिरर्स. मिरर्स, मिरर क्या होते हैं? द पीस ऑफ ग्लास दैट आर पॉलिश्ड फ्रॉम इट्स वन सरफेस. एक तरह से आप कांच का टुकड़ा मान सकते हैं जिनको एक साइड से पॉलिश किया गया है, उन्हीं का नाम मिरर्स रखा हुआ है. हिंदी में इनको बोलते हैं दर्पण. और आपके सिलेबस के हिसाब से जो है उनको माना गया है गोलीय दर्पण. गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है, मान के चलें कि आपके पास एक स्पेरिकल गिलास है, ठीक है. उस स्पेरिकल गिलास का एक टुकड़ा आपने काट लिया, मान के चले इसको इतना काट दिया, ये वाला जो हिस्सा बचा है ये आपने ले दिया यहां पे. द मिरर्स दैट आर फॉर्म्ड विद ए पीस ऑफ स्पीयर ग्लास आर नोन एज द स्पेरिकल मिरर्स. अब जो पीस तो हमने काट लिया है लेकिन हम इसको मिरर कैसे बनाएंगे? इसको मिरर बनाने के लिए आपके पास दो सरफेस बनते हैं. एक सरफेस तो जो आपके बिल्कुल सामने है, सॉरी एक सरफेस ये है जो इस सरफेस के पीछे वाली साइड में है, एक सरफेस ये है कि जो अंदर की साइड में है. आप इन दोनों में से किसी एक को पॉलिश करेंगे और केवल पॉलिश करने का जो जो जगह है उसी के हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपके जो मिरर हैं वो कौन से बनने लग रहे हैं, वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है. मतलब आपका जो दर्पण बनने लग रहा है वो उत्तल दर्पण है कि वो अवतल दर्पण है. चलिए इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं. यहां पर जो आपके स्पेरिकल मिरर्स हैं जो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपने बनाए हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं. लेकिन उनके बारे में डिसाइड करने से पहले कुछ टर्म हमारे पास रह जाती हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं. देखिए मान के चले सिंपली मैं कोई मिरर यहां बना के चलता हूं, यहां पर एक पॉइंट हमें लेना होता है और इस पॉइंट का नाम है सी. सी पॉइंट का नाम क्या है? दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. हिंदी में इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र. और ये जो आपका जो सेंटर है ये सेंटर वही है जो आपके स्पीयर का सेंटर हुआ करता था. मान के चलें ये आपके पास स्पीयर है, स्पीयर का ये सेंटर है. तो जिस टाइम पर आप इस मिरर को यहां से कट कर देते हैं तो इस स्पीयर का सेंटर जो होगा इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा. यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, हिंदी में इसका नाम हो जाता है ध्रुव. ओके, पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है पी सी, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या. मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको आर से लिखेंगे. पी और सी इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होता है, नाम होता है एफ. और इस एफ को हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा फोकस. हिंदी में इसको फोकस से लिखते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन चार चीजें जो इसके बारे में हमें पता लगानी होती हैं कि पोल कहां होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है. तो इन बातों के बारे में ध्यान रखना है. द लाइन ज्वाइनिंग पी सी एंड एफ, लाइन ज्वाइनिंग पी सी एंड एफ इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो लाइन यहां पर दिख रही है आपको, ये लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहा जाता है, इसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस. हिंदी में इसको बोलते हैं
मुख्य अक्ष, ओके, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष बोलेंगे। चलिए अब इस बात के बारे में बात करते हैं कि कोई भी मिरर अगर हमें दिया हुआ होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मिरर नेचर से कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, इस बात के बारे में, इस बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। मान के चले आपके सामने जो मिरर दिया हुआ है, मैं इसको इसकी बैक साइड से, पीछे की साइड से मैं इसको पॉलिश कर देता हूं, पीछे की साइड से पॉलिश करने के बाद ये जो आपका मिरर है इसका कौन सा हिस्सा वो होगा जो लाइट का रिफ्लेक्शन करवा सकता है, मतलब जो पॉलिश किया हुआ नहीं है, जो सामने वाली जो साइड ये बच जाती है जो पॉलिश की हुई नहीं है, मतलब वैसे तो मैंने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में इस बात के बारे में डिस्कशन किया था, इस बात के बारे में बताया था कि कोई भी पॉलिश किया हुआ जो हिस्सा, जो कोई भी पॉलिश किया हुआ सरफेस है वो लाइट का रिफ्लेक्शन करवा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो पॉलिश पीछे से की हुई होती है ये इस तरह की होती है कि ये एक ओपेक मीडियम बना देती है, मतलब इसके अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती, सिर्फ एक हिस्सा ऐसा बचा है जो लाइट का रिफ्लेक्शन करवा सकेगा अब, और वो कौन सा है, जस्ट इसके अपोजिट साइड। और अगर ये वाला हिस्सा जो अंदर की साइड वाला हिस्सा है अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है तो जो आपका मिरर होगा वो नेचर से कॉनकेव है। इसकी डेफिनेशन के बारे में, अगर कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन के बारे में बात करें, कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, तो जो आपका मिरर होगा वो नेचर से कॉनकेव होगा, ओके। अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, जिसको हिंदी में उत्तल दर्पण कहा जाता है, उसको कैसे बनाया जाएगा, मान के चले फिर आपने एक पीस लिया, किसका, स्फेरिकल गिलास का, अब इसको पॉलिश करना है, यहां पर पी, यहां यहां अगर आप सी लेते हैं और पी और सी के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, दोनों के मिडल जो पॉइंट होता है वो आपका एफ है, अगर आप अब की बार इसको अंदर की साइड से पॉलिश कर देते हैं, मतलब जिस साइड में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस साइड से अगर आप इसको पॉलिश कर देते हैं तो जो हमारे सामने मिरर बना वो नेचर से आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर इज ए पीस ऑफ स्फेरिकल ग्लास मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होती है, और इस तरह के जो, इस तरह का जो मिरर बनेगा उसको हिंदी में हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। क्लियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस चैप्टर इज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, कन्वेक्स में कैसे होगी और कॉनकेव में कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉनकेव को लेकर चलते हैं, इसके छह केस होते हैं, वो छह केस आपको ध्यान से देखने हैं। इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है वो एक के अंदर जो अप्लीकेबल होगा वो बाकी सभी के अंदर लगेगा, बिल्कुल एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे इसका जो पहला केस है वो क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत दूरी के ऊपर रखी हुई हो तो कैसे होगा। सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर है जिसके करके ऐसे डायग्राम बन रहे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं। पी सी एंड एफ, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर माना जाता है तो वहां से जो रे ऑफ लाइट जो हमारी साइड में आने लग रही है उनको माना जाता है पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो चलिए मान के चले किसी कोई सोर्स है पीछे, यहां पीछे इस सोर्स से कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंस होने लग रही है, जो भी रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल पैरेललली कहीं से आने लग रही है वो आपके सरफेस के ऊपर इंसिडेंस होने के बाद में फोकस के अंदर से पास होती हैं।
और जहां जिस पॉइंट के ऊपर ये सारी रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर बनेगी हमारी इमेज। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, जो हिंदी में इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब, और आपका ऑब्जेक्ट है आप इसको बिंब के नाम से लिख सकते हैं, प्रतिबिंब है वो हमारा फोकस पर बना है। क्लियर। अगर हम इसके सेकंड केस के बारे में बात करें, सेकंड केस क्या है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड सी, जब वस्तु सी से पीछे रखी हो। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, पी एफ एंड सी, जो आपका मेन का जो मेन जो आपका काम है वो काम आपका यहां से स्टार्ट होगा, जिसके बिहाफ के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह के न्यूमेरिकल वगैरह भी सोल्व करने हैं। मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर बताऊंगा, इसी सेकंड नंबर पार्ट जो इसका, इसी के अंदर बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल सोल्व किस तरह से करने हैं। क्या कह रखा है देखिए, ध्यान से देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बियॉन्ड सी, आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सी से पीछे रखा हुआ हो, रख दिया, ऑब्जेक्ट का जो नाम है उसको हम ए बी के नाम से लिख लेते हैं, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है एक्चुअल में। फर्स्ट रे ऑफ लाइट, आपको इसका रूल कैसे याद रखना है वो ध्यान से देखिए, बनाना किस तरह से है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट दैट इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट एट ए पॉइंट ऑन द स्पेरिकल मिरर, और ये आपका जो मिरर है ये कनकेव है, इसको बैक साइड से आप पॉलिश कर दीजिए, ऊपर वाले में गलती हो गई, नहीं किया तो अब क्लियर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर द इंसिडेंस द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, क्लियर। इतना करने के बाद में आगे क्या करेंगे, सेकेंड नंबर रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर, जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है उसके ऊपर दो एरो लगा दीजिए, सेकंड रे ऑफ लाइट उसके सॉरी फर्स्ट के ऊपर एक एरो लगा दें, सेकंड के ऊपर दो एरो लगा दें, जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट, मतलब एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो आपकी फोकस के अंदर से पास होने लग रही है और दूसरी रे ऑफ लाइट जो आपकी सेंटर के अंदर से पास होने लग रही है, जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर बनती है आपकी इमेज, मतलब आपकी इमेज बनी सी ए वन एंड एफ के बीच में। तो आप यहां पर लिख दीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, आपकी जो इमेज बनी हुई है वो सी और एफ के बीच में बनी हुई है, क्लियर। दूसरा, बिल्कुल जनरली आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि ए बी की जो लेंथ है वो आपको बड़ी नजर आ रही है, और ये जो आपकी इमेज बनी हुई है इसका नाम लिख लें आप ए डैश बी डैश के नाम से। एक बात के बारे में और याद रखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और आपकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी हुई है, तो आप कहेंगे कि आपकी जो इमेज है वो इनवर्टेड बनी हुई है। मतलब दूसरा, अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, इमेज के नेचर के बारे में बात करें, तो नेचर में पहली चीज निकल के आई कि आपकी जो इमेज है वो इनवर्टेड है। इनवर्टेड का मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना हुआ है, ओके। दूसरी बात, जो इसका साइज है, साइज वो तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि जो ए बी है वो थोड़ी सी बड़ी लेंथ लग रही है और ए डैश बी डैश है वो लेंथ थोड़ी छोटी लग रही है, तो आप क्या लिखेंगे, साइज जो बना है वो स्मॉल साइज है, मतलब आपका जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार छोटा है, ठीक है। तीसरी चीज इसके नेचर के अंदर ही हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको, और इन्वर्टेड हो गया, साइज हो गया, थर्ड में इसमें लिखेंगे रियल, आपकी जो इमेज बनी हुई है वो वास्तविक बनी हुई है, और कोई भी इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है ये बात कैसे डिसाइड होती है, ये बात डिसाइड की जाती है कि क्या आपकी जो रे ऑफ लाइट जो सेंटर से और फोकस से पास होने लग रही है, क्या वो एक्चुअली में काटती भी है या उनको जबरदस्ती कटवाया गया है, नहीं वो एक्चुअल में काटने लग रही है, तो आपकी जो इमेज बनी, आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज आपकी रियल होगी, क्लियर।
थर्ड नंबर केस पे चलते हैं, ये सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर केस देखिए, एक चीज और इसमें रह जाती, सॉरी, पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है, पोल से लेकर आपकी इमेज तक की जो डिस्टेंस है इसको वी से लिखा जाता है, और पोल से लेके आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको यू से लिखा जाता है। इस बात के बारे में और याद रखें, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ होगी जो आपकी डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वो पोल से लेके आपकी इमेज तक की डिस्टेंस उसको वी से लिखा जाता है, और पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको जनरली यू से लिखा जाता है। आप इस बात के बारे में ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए थर्ड केस के ऊपर चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट सी, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके सेंटर पॉइंट के ऊपर ही रखा हुआ हो तब आपकी कंडीशन क्या रहेगी, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। थर्ड नंबर डायग्राम ये यहां पर हम लेते हैं आपके लिए कनकेव मिरर, इसको बैक साइड से पॉलिश कर देते हैं, ये आपका पोल हो जाता है, ये आपका फोकस हो जाता है, और ये आपका सेंटर हो जाता है। कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सेंटर के ऊपर रखा हुआ है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, नीचे वाले पॉइंट का नाम तो सी आपको मिल ही जाता है, ऊपर वाले पॉइंट का नाम ए लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले वाले में क्या रूल लगाया था, फर्स्ट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया, आफ्टर द इंसिडेंस द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, क्लियर। सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सेंटर, तो ऊपर से सेंटर यहां पे आएंगे तो ऊपर से यहां से आए और ऐसे निकल गए, जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट आपकी इंटरसेक्ट करने लग रही हैं वहां पर बनती है आपकी इमेज। इस जो नीचे वाला पॉइंट का नाम लिख देंगे हमें ए डैश के नाम से। तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट है जब वो सेंटर के ऊपर रखा हुआ था तो आपकी जो इमेज है वो भी सेंटर के ऊपर बनी हुई है, और अगर आप एक सही तरीके से स्केल से इनकी लेंथ को, इनकी जो हाइट है, इनके साइज को मेजर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज था वही आपकी इमेज का साइज भी है। तो अगर हम इसके, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी में इसके अगर नेचर के बारे में बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपकी इमेज है वो वास्तव में बन रही है और आपका ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ है और इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखी हुई है, इसलिए आप इसकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकते हैं कि रियल और इन्वर्टेड है। अगर हम बात करें इसके साइज के बारे में तो इसका साइज सेम रहता है इस कंडीशन में, और अगर हम इसकी पोजिशन के बारे में बात करें कि आपकी जो इमेज है उसकी पोजिशन क्या है, तो पोजिशन वही रहेगी जो आपकी पोजिशन ऑब्जेक्ट की हुआ करती थी, मतलब एट सी, इसी के ऊपर ही आपकी इमेज बनने लग रही है। ओके, ये इसके तीन केस हो जाते हैं। चलिए इसके फोर्थ नंबर केस की बात करते हैं। आज हम कनकेव मिरर के केसेस जो छह केस होते हैं उनके बारे में बात करने लग रहे हैं, तो इसके छह केस हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देते हैं। ओके, इसमें हमने किया ये आपका कनकेव मिरर हो जाता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर पोल, यहां फोकस, जितनी आपकी पीएफ की डिस्टेंस है इतना ही और आगे लेके आप यहां पर सेंटर लिख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन सी एंड एफ, अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट और आपका जो फोकस पॉइंट है उनके बीच में रखा हुआ है। चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं इसके लिए। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू पैरेलल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, ओके। सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर, एट एनी पॉइंट द रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू फोकस एंड पासिंग थ्रू सेंटर इंटरसेक्ट ईच अदर, द पॉइंट दैट विल बी द पॉइंट ऑफ योर इमेज फॉर्मेशन। आप अपने इमेज ऑब्जेक्ट का नाम रखें ए बी, आपकी इमेज का नाम हो जाता है यहां पर ए डैश एंड बी डैश। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो आपकी जो इमेज है वो कहां बनती है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे बनी है।
ये वैसा ही वाक्य हो जाता है। देखिए जब पहला केस मैंने इसके बारे में करवाया था आपको, तो पहले केस में, सॉरी पहले नहीं, सेकंड नंबर जो केस था उसके अंदर बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे रखा हुआ था तो आपकी इमेज बनी थी सेंटर और फोकस के बीच में। अब इससे उल्टा काम हो गया, क्या कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी हुई है, वो सेंटर से पीछे बनी हुई है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो और आपकी इमेज का साइज है वो, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो अगर हम साइज के बारे में बात करेंगे, इमेज की साइज के बारे में, तो साइज कैसा होगा, बड़े आकार का आपका प्रतिबिंब बनने लग रहा है यहाँ पे, लार्ज साइज ऑफ योर इमेज, ओके। और अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, अब अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, तो प्रकृति कैसी होती है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, ओके। चलिए फिफ्थ केस के ऊपर चलते हैं, एक बार फिर से हम कॉनकेव मिरर बना देंगे, ये आपका पोल हो जाता है, ये आपका फोकस हो जाता है, ये आपका सेंटर हो जाता है। अब की बार जो आपका पॉइंट है वो है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो आपका फोकस के ऊपर है, ये फोकस पॉइंट है, इसके ऊपर हम रख देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रूल रेगुलेशन वही लगाने हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वही काम चलेगा। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, ये हो गया भाई फोकस से पास। सेकेंड नंबर रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। क्या देखने को मिला हमें यहां दोनों में, द रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू फोकस एंड द रे ऑफ लाइट दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर, एंड एज वी नो दैट टू पैरेलल रे ऑफ लाइट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। हो सकता है कि आगे जाने के बाद में, जरूरी नहीं कि ये कभी काटेंगे ही नहीं, नहीं, हो सकता है कि ये आगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट सकती हैं, लेकिन क्या आपको उस डिस्टेंस के बारे में पता है, नहीं पता है। हो सकता है कि यहां पर आने के बाद में इसके सामने कोई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाए और ये रे ऑफ लाइट है, यहां आने के बाद में साइड बैंड हो जाए, इससे कट हो जाए और यहां पर हमारी इमेज बन जाए, लेकिन इसके बारे में कोई डेफिनेट क्ल्यू तो नहीं है, इसके बारे में हमें डेफिनेटली कुछ पता तो नहीं है। और अगर हमें इसके बारे में डेफिनेटली नहीं पता है तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो हमारी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर बनती है, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर बनती है। ध्यान दें कि जब मैंने पहला केस आपको इसके बारे में करवाया था, तो पहले केस के अंदर एक बात यहां से निकल के आती थी, वो क्या थी कि जब आपका ऑब्जेक्ट मतलब फोकस, सॉरी इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ हो, तो आपकी जो इमेज है वो फोकस के ऊपर बनने लग रही थी, और फोकस के ऊपर जब वो बनती थी तो वो बिल्कुल पॉइंट साइज के बनती थी। यहाँ पर सॉरी मैं लिखना भूल गया, जो साइज है इसका वो पॉइंट साइज है, मतलब बिंदु आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो आपकी इमेज क्या बनेगी, जस्ट उससे अपोजिट, मतलब कि इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इमेज बहुत दूर जाके बनने लग रही है, लेकिन इसका ये मतलब ये आप पक्का कह सकते हैं कि उस डिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए हमने उस डिस्टेंस का नाम इनफाइनाइट रखा हुआ है कि डिस्टेंस है लेकिन फाइनाइट नहीं है। अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें, तो उसके अंदर आपका जो इमेज का साइज था पहले वाले केस में वो पॉइंट साइज था, और इसमें जो साइज होगा वो इनलार्ज्ड होगा, मतलब बहुत बड़ी आपकी इमेज बनने वाली है, ओके। चलिए सिक्स्थ नंबर केस के ऊपर चलते हैं, और आपकी जो इमेज है भाई वो रियल ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी इस केस के अंदर भी, मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक था उल्टा ही बनेगा। चलिए इस टॉपिक के सबसे लास्ट केस के ऊपर चलते हैं, सिक्स्थ नंबर केस, जो ऊपर वाले पांच से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले पांच से अलग किस तरह से है कि ऊपर वाले पांच के अंदर जो आपकी इमेज बन रही थी वो सारी की सारी इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड थी, लेकिन इस छठे वाले केस के अंदर ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से देखें एक बार। और इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल कैसे बनी हुई है। चलिए इस केस के लिए रे डायग्राम बनाते हैं।
आपका पोल हो जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पर आपका फोकस और यहाँ पर ये आपका सेंटर, ओके, यहाँ पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रूल वही लगाना है जो हम लगाते आए हैं, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, सेकेंड नंबर रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहां जो चेंजमेंट हमारे सामने आया वो चेंजमेंट क्या है कि ऊपर वाले केस में तो दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, लेकिन इस केस में दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है, मतलब इन दोनों के जो बीच का गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इनके बीच का जो गैप है लगातार बढ़ने का मतलब है कि कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा रहा होगा बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हमें जो चीज नजर आने लग रही है वो ये है कि दोनों चीजें अलग होने लग रही हैं, तो बिहाइंड द मिरर कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि दोनों रे ऑफ लाइट एक साथ मिली हुई हो। और ऊपर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल था वो यही तो था कि फोकस के अंदर से पास होने वाले रे ऑफ लाइट और सेंटर के अंदर से पास होने वाले रे ऑफ लाइट दोनों जब मिलेंगी तभी इमेज बनेगी, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा, इनके बीच से तो गैप, इनके बीच का जो गैप है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा हम मान के चलते हैं। बात को ध्यान से सुने, मैंने कहा है कि मानकर चलते हैं, मानकर चलने का मतलब है कि इनको जबरदस्ती कटवाया जाएगा बिहाइंड द मिरर, और जिस पॉइंट के ऊपर जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ में सिम्स टू बी कट, मतलब काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई लगती हैं, वहां पर आपकी इमेज बनेगी। ये आपका पॉइंट, ये आपकी इमेज है, अगर सॉरी ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है ए बी तो ये आपकी इमेज हो जाती है यहां पर ए डैश बी डैश। यहां पर जो आपकी इमेज बनी हुई है आप ध्यान से देखें उसकी पोजिशन क्या है, पोजिशन है भाई उसकी बिहाइंड द मिरर, मिरर से बैक साइड में। दूसरा, अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल किस वजह से है, क्योंकि रियल इमेज तो बनी नहीं रही, रियल इमेज तो तब बनती थी जब रे ऑफ लाइट रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पर तो जबरदस्ती कटवाई गई है तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट वर्ड मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ हो और आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, मतलब सीधी इमेज बनी है ना, उल्टी तो नहीं बनी है, तो इरेक्ट कमल सीधा ही होता है। और हम इसके साइज के बारे में अगर बात करें तो साइज कैसा है इसका, इन लार्ज साइज। बाय द डायग्राम यू कैन सी दैट ए बी इज मच लेस देन ए डैश बी डैश, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज, सो साइज, साइज ऑफ द इमेज इज इन लार्ज, जो आपका साइज है वो भी बड़ा होगा। तो ये आपके छह केस हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए, और जो जनरली रिफ्लेक्शन के बारे में आपको मैंने बताया, जो मिरर्स की डेफिनेशन के बारे में बताया कि कौन सा मिरर कैसे डिसाइड किया जाएगा, इन बातों को अच्छी तरह से पढ़ना है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर से। प्रॉब्लम जो होंगी वो आपको असाइनमेंट के थ्रू भेज देनी है। थैंक यू।